ओम शांति। सेकंड में एकाग्र होकर अपने निराकारी स्वरूप को देखें। भ्रुकुटी के मध्य स्थित मैं एक चैतन्य डायमंड हूं। निराकारी आत्मा हूं। अपने निज स्वरूप को निहारते हुए अनुभव करें, जैसे यह स्थूल शरीर लाइट के शरीर में परिवर्तित हो गया है। मेरा बुद्धि रूपी पांव इस देह रूपी धरती से उठ गया है। मैं इस देह रूपी धरती से परे फरिश्ता हूं। मैं डबल लाइट हूं। डबल लाइट फरिश्ता बन अब उड़ते हुए सेकंड में पहुंच जाए सूक्ष्म लोक। अव्यक्त वतन में मैं फरिश्ता नॉलेजफुल बाप दादा के सन्मुख हूं। बाप समान स्थिति, अनुभव करें। बाप दादा के साथ साथ मैं आत्मा भी नॉलेज फुल की स्टेज पर स्थित हूं। मेरी यह कितनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री दुरांदेशी
मास्टर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वगुण संपन्न सर्व प्राप्ति संपन्न सर्व खजाने के मालिकपन की यह कितनी ऊंची स्टेज है। मैं बाप समान ऊंची स्टेज पर स्थित हूं। अब बाप दादा मुझ फरिश्ते को विश्व की परिक्रमा पर ले जा रहे हैं। अनुभव करें बाप समान ऊंची स्टेज में स्थित मैं फरिश्ता बाबा का हाथ पकड़कर बाबा के साथ विश्व का चक्र लगा रहा हूं। विश्व का चक्र लगाते हुए बाप दादा मुझे कह रहे हैं, बच्चे अपनी इस ऊंची स्टेज से अब नीचे देखो। चारों ओर नजर डालो। विश्व की सब प्रकार की आत्माओं को देखो। बच्चे देख रहे हो विश्व का दृश्य। सर्व आत्माएं कैसे दिखाई दे रही है। पहले पहले अपनी इन भक्त आत्माओं को देखो। क्या दिखाई दे रहा है बच्चे। हर एक इष्ट देव के अनेक प्रकार की भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं।
अनगिनत भक्त है। कोई सतो प्रधान भक्त है जो भावना पूर्वक भक्ति करने वाले हैं। कोई रजोगुणी तमोगुणी अर्थात स्वार्थ अर्थ भक्त है, लेकिन है वो भी भक्तों की लाइन में। बिचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चे क्या तुम्हें इन भक्तों की पुकार सुनाई दे रही है? इन सभी भक्तों को तुम्हें ठिकाना देना है। बच्चे भक्तों को तो देख लिया, अब धार्मिक लोगों को देखो। धार्मिक लोगों के कितने प्रकार के नाम रूप और वेश है। कितनी प्रकार की धार्मिक कार्य की विधि है। धार्मिक लोगों ने कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वाले साधन अपनाए हुए हैं। देखो यह भी कितनी अच्छी रौनक की धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई है। हर एक के शोकेस में अपने अपने विधि का शोपीस दिखाई दे रहा है। कोई खूब खा पी रहा है तो कोई खाना छोड़ के तपस्या कर रहा है। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। कितना वंडरफुल दृश्य है ना बच्चे।
कोई लाल तो कोई पीला, कोई नीला तो कोई हरा, कितनी वैरायटी है। बाप दादा मुझे कह रहे हैं, हे मास्टर नॉलेजफुल, हे धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा, विश्व के उद्धार मूर्त, इन सभी आत्माओं को देखकर क्या तुम्हारे मन में इन आत्माओं के उद्धार का संकल्प उत्पन्न नहीं होता? बच्चे, तुम सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो। सर्व आत्माएं तुम्हारे भाई है। तो हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों की तरफ संकल्प की नजर दौड़ाओ। विशाल बुद्धि दुरांदेशी बन, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर क्या तुम्हें इन सब के उद्धार का विशाल कार्य दिखाई दे रहा है? अब तीसरे तरफ भी देखो, वर्तमान संगम समय पर और साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले विज्ञानी आत्माएं, वो भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। ये आत्माएं नए नए रिफाइन इन्वेंशन तैयार करके आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में देकर चले जाएंगे। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते हैं और प्रारब्ध आपको देते हैं। बच्चे, इन आत्माओं को भी आफरीन, शाबाशी और थैंक्स तो देंगे ना?
तो हे विश्व कल्याणकारी, इन साइंसदान आत्माओं के कल्याण की विधि के बारे में सोचो। ये समझकर छोड़ नहीं दो कि यह तो नास्तिक है, यह क्या जाने। यह नास्तिक है व आस्तिक है, फिर भी बाप के बच्चे तो है ना। आपके भाई तो है ना। ब्रदरहुड के नाते से, बाप के बच्चे होने के नाते, इन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा ना। बच्चे अपने विश्व कल्याणकारी रूप में इन आत्माओं के तरफ कल्याण की नजर डालो। ये भी अधिकारी है, हरेक के अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। अच्छा, अब आगे चलो। देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखो। इनका राज हिल रहा है व अचल है। राजनीति का दृश्य नजर आ रहा है बच्चे। कल पहले के यादगार में एक खेल दिखाया हुआ है, जानते हो कौन सा खेल? जो साकार ब्रह्मा बाप का भी प्रिय खेल था, चौपड़ का खेल। अभी अभी किसके तरफ पांव बारा, अभी अभी फिर इतनी हार, जो अपने परिवार को पालने के भी हिम्मत नहीं। अभी अभी बेताज बादशाह, और अभी अभी वोट के भिखारी। ऐसा खेल देख रहे हो ना बच्चे। सब नाम और शान के भूखे हैं। ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंचली दोगे ना बच्चे। इन्हों पर भी रहम दिल बन, रहम की दृष्टि से, दाता के स्वरूप से
कुछ कणा दाना देकर इन्हें संतुष्ट करो। और आगे चलो, चारों ओर की आम पब्लिक जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है, कोई क्या गीत गा रहे हैं तो कोई क्या गीत गा रहे हैं, सुन रहे हो चारों ओर चाहिए चाहिए के गीत बज रहे हैं। अब ऐसे गीत गाने वालों को तुम अपने ऐसे गीत सुनाओ जो इनके ये चाहिए चाहिए के गीत सदा के लिए समाप्त हो जाए। बाप दादा मुझे कह रहे हैं, हे महाज्ञानी महादानी महाशक्ति स्वरूप वरदानी मूर्त मास्टर दाता सेकंड के दृष्टि विधाता, तुम इन सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए निमित्त हो। अनुभव करेंगे मैं फरिश्ता बाप दादा से कंबाइंड होकर अपनी कल्याणकारी दृष्टि सर्व आत्माओं पर डाल रहा हूं। Thank you.
मैं विश्व की सर्व आत्माओं को अपने पावरफुल मनसा संकल्पों द्वारा परमात्मा संदेश दे रहा हूं। हे मेरे आत्मा भाइयों, अपने सत्य पिता शिव परमात्मा को पहचानो। शिव पिता तुम्हें अपने घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। अपने पारलौकिक पिता से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर लो। मुझ फरिश्ते की एक दृष्टि भर से ही सभी आत्माओं को परमधाम घर की राह दिखाई पड़ रही है। सबको अपने ठिकाने की अनुभूति हो रही है।
अपने महादानी वरदानी स्वरूप में स्थित मैं फरिश्ता विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति शक्ति प्रेम और आनंद की अंजलि दे रहा हूं। मुझ निमित्त फरिश्ते द्वारा सुख शांति शक्ति प्रेम और आनंद को प्राप्त करके सभी आत्माएं संतुष्ट हो रही है।
विश्व की सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भव का वरदान देकर मुझे विश्व कल्याण की बेहद की सेवा के लिए निमित्त बनाकर बाप दादा लौट गए अपने वतन। मैं फरिश्ता भी बाप दादा के साथ पूरे विश्व की परिक्रमा करने के बाद अब लौट चलता हूं साकार वतन। ओम शांति।